सॉल्यूशन देख रहे हैं आरडी शर्मा जी के मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करेगा 285 को तो रिमाइंडर 9 बचेगा और 1249 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 करेगा। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले आप 285 में देखिए, अगर 285 में से 9 घटा दे और 1249 में से 7 घटा दे तो जो भी नंबर हम निकालने वाले हैं वो इन दोनों को प्रॉपर डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 285 में से 9 घटा दीजिए, 1249 में से 7 घटा दीजिए। अब 276 और 1242 को, दोनों को जो नंबर हम निकालने वाले हैं दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 276 का और 1242 का। ये हम निकालेंगे यूक्लिड साहब के डिवीजन लेमा से। तो 1242 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 276। यहां पर हमारा ए ये है और बी ये है, तो हम ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1242 को हम लिख सकते हैं 276 इंटू 4 प्लस 138। अब क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो 276 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 138 के फॉर्म में। तो फिर से हम यहाँ दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो 276 हो जाएगा 138 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि 138 आपका HCF है जो कि यहाँ निकालना था। इसी तरीके से सेम चीज करेंगे यहाँ पर, जो डिवाइड करता है ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है इनको इनको, और रिमाइंडर रहता है 4 और 3। तो इनका रिमाइंडर है 4, इनका रिमाइंडर है 3। 280 में से 4 घटा दीजिए, 1245 में से 3 घटा दीजिए और जो नंबर आएगा वो दोनों का हमको HCF निकालना है। तो 280 में से 4 घटा दीजिए, 1245 में से 3 घटा दीजिए। जब ये घट जाएगा इसका मतलब वो नंबर दोनों को डिवाइड कर पाएगा। तो 276 बचा 4 घटा के, 3 घटा के 1245 में से 1242 बचा। इन दोनों को हम HCF निकाल सकते हैं नॉर्मल तरीके से भी, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स वाला है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो 1242 को रिप्रेजेंट करिए 276 फॉर्म में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, तो 276 इंटू 4 प्लस 138 आएगा। अब देखिएगा 276 को रिप्रेजेंट करेंगे 138 के फॉर्म में, 276 138 से मतलब 2 टाइम्स जाता है, तो इंटू 2 रिमाइंडर आपका आ गया 0। यानी कि इन दोनों का जो HCF है 138 138 ही आपका आंसर है। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा इनको 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 और रिमाइंडर देगा 1 इनका, 2 इनका, 3 इनका। तो हमें बिल्कुल पिछली तरीके से करेंगे, 626 में से 2 एक घटा दीजिए, 3127 में से 2 घटा दीजिए और 15628 में से 3 घटा दीजिए। तो ये तीन संख्याएं आपके पास आ गई। ये तीन संख्याएं जैसे आएगी तो अब इनका हमको HCF निकालना है। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों से, 3125 को रिप्रेजेंट करिए 625 फॉर्म में। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3125 फाइव टाइम्स जाता है 625 से, तो 625 इंटू 25 आ गया। यहाँ पे हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया और यहाँ 0 आपका रिमाइंडर बचा। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास 625 इन दोनों संख्याओं का HCF मिल गया। अब हम 625 यानी कि जो HCF निकला है उसको लेंगे और 15625 ये दोनों बनेंगे और फिर हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 15625 को 625 के फॉर्म में। जैसे हम करेंगे तो देखेंगे कि 625 इंटू 25 15625 होता है। यानी कि इस तरीके से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 625 इंटू 25 यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इनका भी जो HCF है 625 आएगा। इसका मतलब इन तीनों नंबर का HCF जो है वह 625 आएगा। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करेगा इनको इनको इनको, रिमाइंडर आपका बचाएगा 4, 5 और 6। तो 4 इससे माइनस करिए, 5 इससे माइनस करिए, 6 इससे माइनस करिए, वो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 441 आएगा 445 से। इस तरीके से 572 में से 5 घटाएंगे तो 567 आएगा, 699 से 6 घटाएंगे तो 693 आएगा। अब हमको इन तीनों का रिमाइंडर निकालना है तो पहले ये दो संख्याएं ले लेते हैं। 567 को रिप्रेजेंट करिए 441 के फॉर्म में और डिवीजन लेमा लगाइए, यूक्लिड का डिवीजन लेमा। तो ये लगाते ही आप देखेंगे 441 इंटू 1, इन दोनों को घटाएंगे तो 126 आएगा, यानी कि रिमाइंडर होगा। इसका मतलब अब ये पूरी तरह गया नहीं, तो 441 को हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा में 126। तो 441 हो जाएगा 126 इंटू 3 और 63 आपका
क्या आएगा? रिमाइंडर। फिर 126 को रिप्रेजेंट करेंगे 63 के फॉर्म में, हम जानते हैं 63 इंटू टू आपका 126 होता है, तो 126 होगा 63 इंटू टू प्लस 0। कहने का मतलब यह है कि 63 इन दोनों संख्याओं का, ये और ये, इनका HCF है। अब जो इनका HCF निकला है 63, उसको यूज करेंगे 693 के साथ, तो इन दोनों संख्याओं का हम अब HCF निकालेंगे। सो 693 को हम 63 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 693 होगा 63 इंटू 11, पूरा 11 टाइम चला जाएगा ये 693, 63 से 0 आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि 63 इनका भी, इन दोनों का भी HCF है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का HCF आपका 63 आएगा। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा इनको और इनको, रिमाइंडर बचेगा 9 और 5, बिल्कुल सेम करेंगे, इसे 9 घटा दीजिए, इससे आप घटा दीजिए 5, जो नंबर आएगा, जो नंबर निकलेगा इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो नंबर जो हम निकालने वाले हैं उससे जो भी नंबर्स निकलेंगे दोनों, वो डिवाइड करेगा पूरा। तो दोनों 2002 और 2618 आया, हमको 9 और 5 सब्ट्रैक्ट करना है, इनका HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकलेगा? हम 2618 को 2002 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रिमाइंडर आएगा 616। 616 पूरा गया नहीं, तो 616 को 2002 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2002 616 प्लस 3 अब 154 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 616 को रिप्रेजेंट करेंगे 154 फॉर्म में, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 150 इंटू 4 वो 616 होता है। कहने का मतलब 154 आपका HCF आएगा, यही इसका उत्तर है। दो ब्रांड है चॉकलेट के, वो अवेलेबल है, पैक है 24 का और 15 का। यदि आई नीड टू बाय, अगर हमें खरीदना है एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड्स, अगर मुझे खरीदना है इक्वल इन दोनों, ये दोनों चॉकलेट्स हैं दोनों काइंड्स के, तो कितने कम से कम नंबर बॉक्सेस हमको इन दोनों का खरीदना पड़ेगा, ये आपको जवाब देना है। तो यहां पर बात आती है LCM की, क्यों? क्योंकि दो ब्रांड्स हैं आपके पास चॉकलेट के, पैक एक का 24 का है, एक का 15 का है। अगर मुझे खरीदना है इक्वल नंबर, बराबर दोनों काइंड के, यानी कि ये भी और ये भी, तो हमको लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए LCM निकालना है। तो 24 और 15 है, 24 और 15 का हम LCM निकाल लेते हैं। 24 और 15 का LCM निकालने के लिए अब देखिए, 24 और 15 को मैं करूं तो 3 8 3 24 और 3 5 15, और नहीं जाता ये 3 8 5, ये आता है 120। तो 120 आपका LCM आ जाएगा। अगर आपको निकालना है पहला ब्रांड, तो 120 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 5 नंबर आ जाएगा। दूसरा निकालना है तो 120 को आप डिवाइड कर दीजिए 15 से, जो कि यहाँ किया गया है, आपका 8 आ जाएगा। ये 5 और 8 आपके मिनिमम ये आपको लेने पड़ेंगे। एक मेसन साहब हैं, उनको बाथरूम में फिट करना है स्क्वायर मार्बल टाइल्स। स्क्वायर मतलब होता है एक ऐसा शेप जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। अब जो साइज है बाथरूम का वो 10 फीट बाय 8 फीट है, तो क्या साइज होना चाहिए इंचेस में उस टाइल का जो हमको रिक्वायर्ड होगी, जिसको कट करना है, और कितने टाइल्स ऐसे जरूरत पड़ेगी आपको? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बाथरूम का साइज है पहले वो निकाल लें, तो पूरा बाथरूम का साइज हमें पता चलेगा, तभी हम इसमें टाइल्स के बारे में बात कर पाएंगे। तो 10 फीट बाय 8 फीट है, ठीक, ये साइज है बाथरूम का, 10 बाय आपका 8 फीट। अब इसको जरा उसमें चेंज करते हैं अपने इंच में, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी कि 120 बाय 96 इंच हो गया, यानी कि 120 अगर इसको मान ले तो आपका ये 96 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो साइज होगा टाइल जो हमें जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब 120 और 96 का हमको निकालना है क्या, HCF। तो डिविजन लेवल लगाएंगे, 120 को रिप्रेजेंट करेंगे 96 फॉर्म में, ये बिल्कुल ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में, ए इसमें 120 है, बी आपका 96 है। यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया, तो 96 को आप रिप्रेजेंट करेंगे 24 के फॉर्म में, तो आपका यह 24 इंटू 4 96 होता है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 24 इंटू 4, यानी कि 24 आपका सेफ आ गया, और जो लार्जेस्ट साइज है आपको 24 इंच चाहिए, है ना। तो आप देखिएगा कि जो कितने हमको टाइल की जरूरत होगी, आप इसको समझिए कि हमको मैक्सिमम टाइल कितनी चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया है बाथरूम ऑफ, जो एरिया है बाथरूम का और एरिया ऑफ टाइल, तो 120 इंटू 96 राइट डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24। ध्यान रखिएगा कि ये हमारे 24 बाय 24 लगेंगे इस तरीके से, तो कुल आप 120 इंटू 96 करिए, ठीक, और उसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 24 इंटू 24 से।
क्योंकि ये है पूरे का एरिया, ये है आपके एक टाइल का एरिया, तो पूरे का एरिया डिवाइड बाय टाइल का एरिया करेंगे तो आपका 20 टाइल आएगा। 15 पेस्ट्रीज है, 12 बिस्किट पैकेट्स हैं, इसको डोनेट करना है स्कूल के फेट में। फेट एक ओकेजन होता है, प्रोग्राम होता है। अब दीज आर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्स। अब इनको पैक करना है छोटे छोटे बॉक्सेस में जो आइडेंटिकल होंगे, जिसमें पेस्ट्री और बिस्किट बराबर आने चाहिए। कितने बिस्किट पैकेट्स और कितने पेस्ट्रीज इन बॉक्स में आप रखेंगे, तो क्योंकि पेस्ट्रीज आपको 15 दिए हैं और बिस्किट आपको 12 दिए हैं, सीधी सी बात है आपको एचसीएफ निकालना है 15 और 13 का। सवाल से ये बिल्कुल क्लियर प्रतीत हो रहा है। तो 15 जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके आपके 12 के फॉर्म में। तो कैसे बनेगा ये, तो 12 15 इज इक्वल टू 12 × 1 + 3, ये बनेगा है ना। अब 12 को 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो 12 कैसे होगा, 12 इक्वल टू, आप जानते हैं कि 3 3/4 12 होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम 15 और 12 का अगर हम एचसीएफ निकालने लगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये 3 इसका एचसीएफ है, तो हमको कितनी जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के कितने आपके वो है पेस्ट्रीज या कहें बिस्किट पैक, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए पहली बार, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 3 × 5 = 15 = 5। और ये बिस्किट पैकेट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, 3 × 4 = 12, इस तरीके से आ जाएगा आपका। 105 गोट है, 140 डोंकी है, 175 काऊ है, इनको लेना है रिवर के अक्रॉस ले जाना है। एक ही बोट है विच विल हैव टू मेक मेनी ट्रिप्स, मतलब एक ही बोट है वो जाएगी आएगी इस तरीके से, और ये तीनों चीजों को ले जाना, तीनों जंतुओं को ले जाना है कहीं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक लेजी बोटमैन है, एक आलसी बोटमैन है, उनकी अपनी खुद खुद की कुछ कंडीशन है ट्रांसपोर्ट करने की। वो ये कहते हैं कि ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन एवरी ट्रिप, यानी कि हर बार वो जो एनिमल होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, यानी कि जितनी गोट होंगी उतनी डोंकी उतने ही आपके काउज होंगे। ही विल नेचुरली लाइक टू टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम, हर बार वो मैक्सिमम जितने उसमें आ सकते हैं वो ले जाना चाहेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कितने एनिमल्स जाएंगे इस ट्रिप में, हर एक ट्रिप में। तो हमारे पास 205, 140, 175, ये तीन टाइप के अलग अलग एनिमल्स हैं। अब हमको इसका, क्योंकि इनका इनकी कंडीशन इस तरह तरीके की है कि हमें इन तीनों का एच सी एफ निकालना है, तो 105, 140 और 175, पहले 105 और 40, 140 का हम डिवीजन लेमा से निकाल लेते हैं। 140 को रिप्रेजेंट करते हैं 105 के फॉर्म में, 35 इसका आपका रिमाइंडर आएगा, फिर 105 को 35 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर पूरा का पूरा 35 × 3 आपका ये जीरो है, 35 × 3 105 में जाएगा, यानी कि हमारे पास 35 इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ आ गया। अब हम इस 35 को लेंगे और 175 लेंगे, इनका हम निकालेंगे फिर से एच सी एफ। तो अब देखिए 35 × 5 = 175 होता है, तो आपका 35 इनका भी, इन दोनों का भी सेम आपका एच सी एफ आएगा, तो इन तीनों के लिए एच सी एफ रहेगा 35, तो उत्तर आएगा 35। जो लेंथ है बेड तर हाइट है एक रूम की, लेंथ बेड हाइट आपको दी है ना। उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट रॉड निकाली है, यानी कि इस तरीके से आप समझ लीजिए लेंथ बेड हाइट। अब लेंथ बेड हाइट आपको दिया हुआ है, अब आपको लॉन्गेस्ट रॉड निकाली है जो मेजर करेगी द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जो तीनों डायमेंशन यानी कि लेंथ भी नापनी है उनको, ब्रेथ भी नापनी है और ये हाइट भी नापनी है। तो जो लेंथ है वो आपकी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इस 25 सेंटीमीटर 8 मीटर होता है, 8 × 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर से जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, 800 + 25 = 825, इसी तरीके से 675 450। हमने किया क्या, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 70 मीटर में चेंज कर दिया। तो आज कहने का मतलब यह है कि लॉन्गेस्ट रॉड हमको चाहिए, तो 825 675 450 का हमें एच सी एफ निकालना है। तो ये दोनों पहले ले लेते हैं, चाहे तो ये ले लें चाहे ये ले लें, ये आपके ऊपर है। तो 675 और 450 लेते हैं, पहले ये दोनों ले लेते हैं। अब हम विपरीत डिलेमा लगाएंगे, 675 को रिप्रेजेंट करेंगे आप किस फॉर्म में, 450 के ए इक्वल टू बी प्लस बी क्यू प्लस आर फॉर्म में, ए इसमें 675 लिया है, बी आपका 450 लिया है।
अब रिमाइंडर इसका आ रहा है यहाँ पर 225, क्योंकि ये 415 टू 2 करेंगे तो इससे ऊपर निकल जाएगा। अब 450 का रिप्रेजेंट करेंगे 225 के फॉर्म में, तो 225 इंटू 2 ही आपका 450 आ जाता है। इसका मतलब 225 इन दोनों का, ये दोनों संख्याओं का आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये तो आ चुका है, ये वाली संख्या 225, तो 225 और 825 को लेते हैं और उसको निकालते हैं। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये इसी को लेते हैं, 825 और 225 को लीजिए, 825 होता है 225 इंटू 3, 150 बचेगा। अब 225 और 150 को लीजिए, 225 होगा 150 इंटू 1 प्लस 75। अब 150 और 75 का देखें तो 75 इंटू 2 150 आता है, कहने का मतलब 75 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आपको एक्सेस करना है जो एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का इस फॉर्म में, जहां पर एक्स वाई इंटीजर है दो अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज। तो इसके लिए करना क्या है हमें, कि हमको एच सी एफ को रिप्रेजेंट करना है इनका इस फॉर्म में, और एक्स और वाई ये इंटीजर्स हैं, दो अलग अलग डिफरेंट वेज में हमको करना है या दिया हुआ है, एक्स और वाई आर इंटीजर इन टू डिफरेंट वेज। तो जो हमको इंटीजर ये दिए हुए हैं दोनों का, इसमें देखिए 468 बड़ा है 222 से, यूक्लिड लेमा लगाएंगे, 468 को रिप्रेजेंट करेंगे 222 में, तो 222 इंटू 2 प्लस 24। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया, तो 222 को रिप्रेजेंट करेंगे 24 के फॉर्म में, 222 होगा 24 इंटू 9 प्लस 6। अब फिर भी रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया, तो 24 और 6 को लेंगे, 24 लिख सकते हैं, 6 4 24, तो इसका मतलब 6 आपका एचसीएफ आ गया, है ना। अब देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जो लास्ट डिवाइजर है आपका 6, यही आपका क्या फॉर्म हो गया, बेसिकली इट्स एन एचसीएफ। बट हमको फॉर्म करना ये, यानी कि हमें इसको लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उल्टे चलना है। उल्टा कैसे चलेंगे, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 जो है वो 222 और 24 इंटू 9, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी तो 6 आ रहा था ना, इसका मतलब यूक्लिड लेमा का मतलब यही होता है, तो 224 माइनस 24 इंटू 9। अब समझिए 24 कहाँ से आया था, 24 कहाँ से आया था, 468, 24 कैसे आया था, 468 को अगर हम माइनस करें 222 इंटू 2 से, तभी तो 24 आया था, तो हम 24 की जगह लिखेंगे 222 इंटू 2, क्या इसको लिख रहे हैं। अब इसको खोल देते हैं, 468 इंटू 9 और 222 इंटू 2 इंटू 9, तो इसको खोल दिया हमने, क्या आ गया, ये वाली 222, ये देखिए ये 222 इंटू 1 मान लीजिए और ये 222 इंटू 18 मान लीजिए, दोनों जुड़ जाएगा, 222 इंटू 19 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 468 इंटू 9, ठीक। अब ये जो चीज़ आ गई आपकी 6 जो आ गया 220, अब इसको आप मान सकते हैं 19 को आप x बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 460 है। देखिए हम बोल रहे हैं कि 468x प्लस 222y है, और यहाँ पर क्या आया हमारा, आया एक तरीके से 19 222 इंटू 19 यहाँ पर आया, प्लस मान लीजिए माइनस 9 इंटू 468, तो x क्या आया माइनस 9 और y क्या है 19, बस ये x है ये y है, यही आपको दिया हुआ है। तो ये पार्ट इसका दूसरा हुआ, 1.2 एक्सरसाइज का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।